तो हे दोस्तों, नमस्कार। मिस्टर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं नई वीडियो नई प्रॉब्लम के साथ। गाड़ी है हमारे पास अल्टो, जिसमें फ्यूल मीटर बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। कस्टमर का यूँ कहना है कि उनने हाफ टैंक से ज़्यादा उसमें पेट्रोल डला रखा है, बट जो पेट्रोल मीटर है वो जीरो इंडिकेशन कर रहा है, कि उसमें बता रहा है कि उसमें पेट्रोल है ही नहीं। तो आज हम इसी बारे में पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं, किस तरह से आपको डायग्नोस करना है, क्या चीज़ पहले चेक करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम पूरी बात करेंगे। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि पहले मीटर चेक करवाएं या वायरिंग वाले को चेक करवाएं, तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो पूरी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, कैसे आपको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है, कैसे फॉल्ट मिलेगा आपको, ये पूरा बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। तो नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाड़ी आ जाइए हमारे पास अल्टो। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है गाइस, ये जो इसका फ्यूल मीटर है वो उसका काम नहीं कर रहा है। कस्टमर ने बोला इसमें फ्यूल भी इसमें काफ़ी सफिशियंट, हाफ टैंक के काफ़ी ऊपर है, लेकिन इसमें कांटा बिल्कुल, देखिए मैं चला के बताता हूँ, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, पहले आपको यही देखना है कि कांटे में थोड़ा सा भी मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको सप्लाई चेक करनी है। सप्लाई के लिए आपको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, और ये हमने पहले से सीट खोल रखी है। सीट खोल के ये फ्यूल टैंक में जा रही लाइन, इसमें चार वायर रहते हैं, दो वायर ये हैं और इनमें निशान बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीली पीली लाइनें जो बनी हुई हैं, ये दोनों, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसमें ब्लैक के साथ आपको दिख रही है रेड लाइन है, और इसमें येल्लो में भी रेड लाइन है, तो यानी ये दोनों एक हैं। तो इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसमें चार तार इसके लिए हैं, दो तार तो अपने फ्यूल पंप के लिए हैं और दो तार इसके फ्यूल गेज के लिए हैं, जो आपका फ्यूल लेवल बताता है। तो हम पहले यहीं पे चेक कर लेंगे सप्लाई क्या आ रही है। अगर सप्लाई आ रही होगी तो यानी हमारी लाइन प्रॉपर है, फ्लूड की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो हमें टैंक उतारना पड़ेगा। तो आइए अब चेक कर लेते हैं सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। और इसका दूसरा तरीका ये बताऊंगा आपको, दोनों तार को शॉर्ट कर देना है। जब आप शॉर्ट कर देंगे तो फ्यूल हाई भी बताएगा उसको। इसमें फ्लूड में एक्चुअली क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है। जितना वो अप एंड डाउन होता है उतना रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग मीटर वर्क करता है। तो हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर पहले सप्लाई चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे शॉर्ट करके आपको मीटर को चेक करना है कि मीटर सही है कि नहीं है। तो गाइज, इसमें जो है ये पीले वाला वायर एंड ब्लैक वाला वायर, जिन पे दोनों में लाइनिंग है, ये अपना फ्लूड का है, जो फ्यूल का गेज बताता है कितना फ्यूल है इसमें। अब इसमें हमने ऑन कर रखा है चाबी को, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। चाबी मैंने ऑन कर रखी है। अब उस कंडीशन में सप्लाई देखिए इसमें क्या आनी चाहिए। इसमें 5 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए, तो मैं चेक करके बता देता हूँ। तो देखिए गाइस, 5 वोल्ट आ रहा है इसमें, यानी हमारी लाइन सही है। अब ये चेक करना है कि मीटर सही है कि नहीं है। तो अब इसको मैं दोनों वायरों को शॉर्ट करता हूँ। तो गाइस, हमने शॉर्ट कर दिया है। अब मैं आपको मीटर, ये देखिए गाइस, धीरे धीरे मीटर अब चढ़ने लगा है। देखिए बहुत स्लोली स्लोली चढ़ रहा है। तो आपको दिख गया होगा कि अब मतलब मीटर हमारा वर्क कर रहा है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि हमारा मीटर तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, वायरिंग तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है फ्लूड साइड से। देन हम अब इसका टैंक उतारेंगे। देखिए गाइस, ये अब चढ़ता ही जा रहा है। तो अब हम इसका टैंक उतारते हैं और फ्लूड की कंडीशन देखते हैं, फ्लूड की तरफ से क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस, टैंक हमने उतार लिया है, कपलिंग वगैरह खोल ली थी सारी, निप्पल्स वगैरह आपको बहुत ध्यान से खोलनी है, इसमें लॉक रहता है, इसको बहुत ध्यान से खोलना है, जैसे अपने डीजल गाड़ी में अपन लॉक खोलते हैं फ्यूल फिल्टर के, वैसे ही इसके लॉक आते हैं। ये इसका फिलिंग वाला वाल है, अब हम इसको खोल लेंगे और इसके अंदर ही हमारा फ्लूड रहता है, उसको चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस देखिए कितना इसमें जंग भरा हुआ है, ये पूरी रॉड, अपना ये फ्लूड है, ये पूरा
चोक हो रहा है। ये फिल्टर की हालत देखने गाइस कितना गंदा हो रहा है, ये देखिए इसमें कितनी डस्ट है। आई थिंक ये बहुत टाइम से खुला ही नहीं है। अंदर दिखाइए कितना कचरा है इसमें, अंदर की साइड ये देखिए गाइस, पूरा टैंक सड़ रहा है। इसी वजह से आज की जो नई अपनी गाड़ियां आ रही हैं उसमें फ्यूल टैंक जो आता है मेटल का ना होके प्लास्टिक का आता है, क्योंकि वैसे भी टच होकर टूटना ही है। मेटल होगा, मेटल भी जब एक्सीडेंट या कुछ अतर पत्थर लगेगा तो वो फूटेगा, और प्लास्टिक भी टकराएगा तो वो भी फूटेगा। लेकिन उससे प्लास्टिक से फायदा है कि डस्ट इकट्ठी नहीं होगी, जो अंदर पूरा जंग सा जम गया है। अब दिख पा रहा होगा, ये देखिए कितना खराब हो गया, पूरा जंग से पूरा खराब हो चुका है। और उसका ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इसको क्लीनिंग कर सकें या सैंडिंग कर सकें कुछ, क्योंकि ये पूरा सील्ड आता है। तो गाइज मेरा तो एडवाइस है इसको चेंज करना चाहिए, नहीं तो ये अपने इंजन सिस्टम या फ्यूल सिस्टम जितना है सब खराब कर देगा, अपना फ्यूल फिल्टर वगैरह सब कुछ चोक कर देगा। तो दोस्तों जैसा देखा कि आपने ये फ्लूड की कंडीशन क्या हो रही थी, तो उसको हम क्लीन नहीं करेंगे क्योंकि टैंक जैसी चीज़ें जो बार बार नहीं खुलती और खोलने में बहुत परेशानी आती है, तो हम इसका डायरेक्ट फ्लूड ही चेंज कर देंगे जिससे इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और एक प्रॉब्लम और हमें मिल गई है, इसमें टैंक में काफ़ी डस्ट है, तो टैंक को भी हम रिप्लेस कर देंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी टेक्निकल वीडियोस में आपको लाता रहूँगा, नई नई प्रॉब्लम्स नए नए सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।